TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. मैं बस तुम्हारे दर्द बांटने की नहीं बांटा तुमने दर्द ये मैं कोर्ट में देखूंगा मुझे तो मेरी सजा मिल गई है पर अमीरा को उसकी सजा मिलेगी नहीं वैसे तो सब कुछ खत्म हो चुका है पर कल आखिरी मोहर भी लग जाएगी जैसे जैसे इंसान की परत खुलती है उसकी असलियत सामने आ जाती है मेरी माँ को मार दिया ताकि पीछे से सारी प्रॉपर्टी आप लोग रख सको अरे जब बेटी इतनी गलत हो सकती है तो फैमिली इतनी सही कैसे हो सकती है अपनी बेटी को जरिया बना रखा है अपनी अय्याशियों के लिए बस दरअसल अब अमाया की हालत कैसी है ये तो ठीक है लेकिन मैंने इन डॉक्टर को कभी हॉस्पिटल में नहीं देखा बॉस थोड़ा टाइम और लगेगा मुझे पता था विवान मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचा के रखूंगा ताकि मैं खुद तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकूं तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है मेरा पापा जी आपको कहीं चोट वोट तो नहीं आई ना हाँ पुत्र मैं भी ठीक हूँ और अमाया भी ठीक है वो जो बंदा आया था मुझे तो उस पर पूरा शक था तभी तो मैं अंदर कमरे में आना चाह रही थी लेकिन इसीलिए मैंने फोन करके डॉक्टर माथुर को बुला लिया इनका कहना है कि सब ठीक है डॉक्टर माथुर आप यहां पे नहीं थे राइट अगर आप यहां पे नहीं थे तो आपकी ये नर्स ये तो यहां पे होगी या दोनों चले गए थे एक पेशेंट को अकेला छोड़ के नहीं मैं गर्म पानी लेने चली गई थी वो जो नकली डॉक्टर आए थे ना उन्होंने मुझे भेज दिया था I don't care क्या हुआ क्या नहीं हुआ विवान तुम इन सब से पूछ पूछ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो पापा जी ने सब कुछ बताया ना अभी हम फटाफट से पुलिस स्टेशन चलते हैं ना अच्छा तुम्हारे डैड ने बताया या करवाया ऐसा भी हो सकता है कि ये सब इन्होंने जानबूझ के किया ये सब इन्होंने बदला निकालने के लिए किया कि मैंने इनकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है तो ये मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाएंगे वैसे ये भी हो सकता है कि ये सब उन्होंने ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस है जानबूझ के पैदा करे पापा जी मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो मानो मेरी लड़ाई है पर उसने सारा गुस्सा आप लोगों पे निकाल दिया मेरी वजह से आपको विवान कितनी कड़वी बातें सुननी पड़ी उसकी लड़ाई तो मुझसे पर बेवजह आप लोगों को भी सब सुनना पड़ा अगर आपको भी उसको कुछ बोलना था ना तो मैं आपको रोकती नहीं एक भी बार आप भी बोल लेते वो नहीं पुत्र तूने जवाब दे दिया ना फिर हम क्या बोलते और वैसे भी वो हमारी बेटी ना किसी की भी जबान बंद करवाने में एक नंबर है कोई मुकाबला नहीं है उसका हाँ जी पापा जी आपकी बेटी को सिर्फ बोलती है तो बंद करानी आती है और कुछ नहीं खबरदार किसी ने मेरी कुड़ी के बारे में कुछ कहा तो चपेट पड़ेगी पापा जी हम ना डॉक्टर के पास होके आते हैं कहीं आपको कोई अंदरूनी चोट आ गई हो तो कोई अंदरूनी चोट नहीं है एक चोट है जो किसी को दिखा भी नहीं सकता वो तो चिंता ना कर पुत्र वो मैं दिखा लूंगा बाद में पापा जी पीजी कहती है कि हर चोट ना टाइम के साथ ठीक हो जाती है ये क्या कर रही हो तुम नहाने का वक्त नहीं है ये स्लिपरी जगह आती है ये तुम्हारे जीपीएस में नहीं था चलो हाथ दो हाथ बढ़ाओ अपना मीरा हाथ बढ़ाओ मैं बचा रहा हूं कम ऑन हाथ दो अपना
कुछ नहीं होगा, हाथ दो, मैं हूं ना। मीरा नाटक करना बंद करो, हटो। मैं जानता हूं कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम ये बेहोश होने की एक्टिंग कर रही हो ताकि मैं खंडर तक ना जाऊं। हटो मीरा, तुम्हारी ये एक्टिंग काम नहीं आएगी, समझ नहीं आता तुम। शिट, ये तो सचमुच बेहोश हो गई। मुझे इश्क से रहना था दूर, गम इसके बड़े जो है मशहूर, पर ये दिल है कि बिल्कुल माना नहीं। क्यों यार, फोन लग गया कि नहीं? लग, हेलो पापा, लो मम्मी से बात करो। लग गया बात करो। हेलो जी, हाँ जी, दसो कि बच्चे मिले कि नहीं? बच्चों का नहीं, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। अगर इस बार मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं विवान को नहीं छोड़ूंगा। की होया भाभी, सब ठीक तो है ना? स्वीटी, ये तो बहुत गुस्से में है, बच्चे तो अभी तक मिले नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा करता हूं, मैं जाके आता हूं। अरे तू कितने जा रहे हैं, है ना? और वैसे भी इंस्पेक्टर ने मना किया ना बाहर जाने के लिए, बाहर खतरा है। भाभी तुसी टेंशन ना लो, बाबा जी है ना, सब ठीक कर देंगे। कौन सा पेपर साइन करना? दीजिए पेपर लाके दो। मीरा, दरवाजा खोलो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? मीरा, क्या हुआ? क्या हुआ भाभी, क्या हुआ मीरा को? गोली लगी है। सबके सामने है तेरी परवरिश का और तेरी बेटियों के बेशर्मी का। तेरे में और धंधे वाले में कोई फर्क नहीं है, बेगैरत कहीं की। बस बहुत हो गया। ये तो वही शौर्य अलावत है ना जिसने कंप्लेंट की थी। आज हम हमारी होने वाली जश्न बहार को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते। पूजा जी, क्या आप अपने एक्स पति को छोड़कर इस डुप्लीकेट नरेन व्यास से शादी करेंगी? सबके सामने है तेरी परवरिश का और तेरी बेटियों के बेशर्मी का। तेरे में और धंधे वाले में कोई फर्क नहीं है, बेगैरत कहीं की। बस बहुत हो गया। ये तो वही शौर्य अलावत है ना जिसने कंप्लेंट की थी। आज हम हमारी होने वाली जश्न बहार को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते। पूजा जी, क्या आप अपने एक्स पति को छोड़कर इस डुप्लीकेट नरेन व्यास से शादी करेंगी? कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग। क्या हुआ दीदी, कैसे क्या? पुलिस नहीं, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन प्रीता और करण। भाई को देखकर पुराना प्यार याद आ गया, इसीलिए फेस इतना ग्लो कर रहा है। विक के ऑफिस में तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये एल्बम प्रज्ञा के वजह से छोड़ रहे हो। ऐसा क्या कहा प्रज्ञा ने तुमसे जो तुम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहते थे?